हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस. माई सेल्फ मिसेस अंजलि फ्रॉम टाटा केम डीएवी पब्लिक स्कूल मीठापुर. लेसन 1 माई बॉडी फिनिश रिविजन ऑल्सो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वैल्यू बेस्ड स्टोरी. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड रीड विथ मी एंड अंडरस्टैंड. ओके, so this is your page number 9, value based questions. Yes, so this is a small story. Okay, Rahul story. Okay, this boy, his name is Rahul. So come on, let us start. This is Rahul. Iska naam Rahul hai and Rahul friends, his name is Sanyam and this is a shopkeeper vendor. Now come on, put your finger on this first line. It was lunch time in the school. School mein lunch time tha. Rahul and his friends gathered to have lunch together. Of course, jaise aap moj masti karke khana khate hai break mein, waise Rahul and his friends gathered to have a lunch together. Okay, so all the friends started eating their lunch. Sabne shuruaat kar di lunch khane ke liye. बट राहुल डिड नॉट फाइंड हिज लंच बॉक्स इन हिज बैग. राहुल को लंच बॉक्स अपने बैग में मिल ही नहीं रहा था. तो ही हैड फॉरगॉटन इट एट होम. भूल गया, घर पे रह गया बॉक्स. अब क्या करे. हिज फ्रेंड सन्याम नोटिस्ड दिस. अब ये सब बातें उसके बाजू में बैठा ये जो सन्याम था वो नोटिस कर रहा था, देख रहा था. He immediately offered to share his lunch with him. तो उसने आओ ना देखा ना ताओ. He observed carefully and he immediately offered to share his lunch. उसने बुलाया कि come on, हम share करके खाना खा लेंगे. Okay? Oh, but Rahul, however, moved out of the class. उसने कुछ कहा नहीं. उसने सन्याम की बात तो सुन ली पर response ही नहीं दिया. एंड देन ही मूव आउट ऑफ द क्लास. क्लास रूम से बाहर निकल गया. अब कहाँ गया होगा. ही बॉट सम फूड फ्रॉम द वेंडर्स आउटसाइड द स्कूल गेट एंड एट इट. अब इसने क्या किया राहुल ने. उसने ये जो वेंडर है ना स्कूल के आउटसाइड में उसकी शॉप थी, तुरंत गया वो वेंडर के पास एंड स्कूल गेट में से और फूड ले लिया उससे एंड खा लिया. So this is a short story. Once again, it was lunch time in the school. Rahul and his friends gathered to have lunch together. All the friends started eating their lunch. Rahul did not find his lunch box in his bag. He had forgotten it at home. His friend Sanyam noticed this. He immediately offered to share his lunch with him. Rahul, however, moved out of the class. He bought some food from the vendor outside the school gate and ate it. Okay, understand story? Okay, now value-based question. अभी ये story पे some value-based questions है. So think about this and okay, सोचना है आपको इस बारे में और खुद को ही आंसर देना है. Number one, what would you do if you were in Rahul's place? क्या करते अगर राहुल की जगह आप होते तो? क्या आप ऐसे ही काम करते? कि वेंडर के पास जाके जो भी है लंच तो खा लेते उसके यहाँ से लेके. वो नहीं देखते कि भाई मक्खी बैठ रही है, कैसा है, कवर फूड है कि नहीं है, हेल्दी है अनहेल्दी है. ओके, सो क्या करते आप. तो आपको ये बात सोचनी है. ओके, या आप शेयर कर लेते हैं अपने फ्रेंड के साथ टिफिन. तो उस बारे में यू हैव टू थिंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. सन्याम ट्राई टू शेयर हिज फूड विथ राहुल. सन्याम ने तो शेयर किया था ना राहुल को फूड. इन व्हाट सिचुएशन डू यू शेयर ऑब्लिक हेल्प योर फ्रेंड. अब ऐसे कौन से सिचुएशन में आप शेयर करेंगे फूड और फ्रेंड की हेल्प करना पसंद करोगे, इस बारे में भी आपको सोचना है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड. ओके, ऑल दीज आर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सो यू शुड थिंक अबाउट दिस. ओके, Do you think that eating food from roadside vendors is a healthy option?
अब है नहीं दूसरा ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन इसने जो राहुल ने लिया ऐसे सोच के लिया, दैट इज राहुल थिंकिंग, दैट वॉज राहुल थिंकिंग। ओके, तो ये क्या सही है? रोड साइड जो वेंडर है उससे हेल्दी ऑप्शन है वो कि हम खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए जाए और खाना खा ले वहां से? सो नाउ यू हैव टू थिंक ऑल दिस क्वेश्चंस। और भी मन में आते हैं तो वो मन में क्वेश्चंस क्रिएट करो, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू गिव आंसर्स ऑल्सो। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू रीड दिस पेज, पेज नंबर 9, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एंड टू टाइम्स यू हैव टू रीड एंड थिंक अबाउट राहुल्स एंड हिज लंच बॉक्स के बारे में, ध्यान करो उसके फूड के बारे में सोचो। ओके, सो चिल्ड्रन एंजॉय ईच एंड एवरी डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।